कहिए क्या है आपकी प्रॉब्लम? मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है और कुछ ही महीनों में शादी है, मगर डॉक्टर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे पता नहीं कि ये सब बताने का सही टाइम है या नहीं। जब तक आप अपनी परेशानी को बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे मालूम होगा? आप अपनी परेशानी बताइए, हम कुछ ना कुछ सलूशन जरूर निकालेंगे। और अगर आप अपनी परेशानी को नहीं बताएंगे, अंदर ही अंदर दबा कर रखेंगे, तो परेशानी कम होने की जगह बढ़ सकती है। डॉक्टर मुझे शक था कि मेरे होने वाले पति का किसी और से अफेयर चल रहा है। मैंने इस पर खोजबीन भी करी, बाद में पता चला कि उसका उससे बहुत ही बड़ी उम्र की किसी डिवोर्सी के साथ अफेयर चल रहा है। देखो दामिनी, मैं तुम्हें ये तो नहीं कहूंगी कि तुम उससे शादी करो या ना करो, ये आपका डिसीजन है। लेकिन हाँ, हम इस लड़के को सही रास्ते पर ला सकते हैं। वो कैसे डॉक्टर? देखिए दामिनी जी, जब भी कोई मर्द अपनी उम्र से बड़ी औरत के साथ करता है तो वो उसे अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट समझकर याद रखने की कोशिश करता है। लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है, बल्कि आपको आवश्यकता है कुछ जरूरी बातें जानने की। क्या जानने की जरूरत है दामिनी? इससे नंबर गेम, तुम्हारे होने वाले पति जिस महिला के साथ अफेयर में पड़े हुए हैं, ये तो तुम जानती ही हो कि वो उम्र में उनसे काफी बड़ी है। और ये भी जाहिर सी बात है कि उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा होगा मल्टीपल पार्टनर्स के साथ। बट डॉक्टर, ऐसी तो कोई बात नहीं, कुंवारी लड़कियों को सारी नॉलेज होती है, मुझे भी तो सब मालूम है। ऑफ कोर्स मालूम होगा, लेकिन जिन औरतों की बात हम लोग कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा होता है। एक तो उनका मैरिड लाइफ एक्सपीरियंस, और उसके बाद उनका अलग अलग पार्टनर के साथ अफेयर वाला एक्सपीरियंस। उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम होता है कि बिना कुछ किए ही मर्द को अपनी तरफ आकर्षित कैसे किया जाए। और वो लोग कभी भी किसी भी बात को करने में शर्माती भी नहीं है। मगर डॉक्टर, ये सब खुलकर बताना कहाँ संभव है? अगर बता दिया तो इसका उल्टा रिएक्शन भी तो हो सकता है। अगर लड़कियां बताएंगी नहीं कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, तो कैसे मालूम करेंगे मर्द? बस यही तो मार खा जाती है हमारे समाज की लड़की। लेकिन वही दूसरी तरफ उन औरतों को एग्जैक्टली पता होता है कि वो क्या चाहती है और मर्दों को कैसे लुभाया जाता है। तो क्या डॉक्टर, हमें ये रिसर्च करना पड़ेगा कि हमारे होने वाले पति को क्या पसंद है और क्या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल मालूम करना होगा। आपको पता है कि ओल्ड एज की वुमन अपने बॉयफ्रेंड के स्पेसिफिक डिजायर को मालूम करने के लिए बहुत ही उत्साहित रहती है। यहाँ तक कि वो बुक्स पढ़ती हैं, मूवीज देखती हैं और इंटरनेट तक से जानकारी हासिल करती हैं। और उनका कोई हिडन एजेंडा भी नहीं होता। उनको ये डर नहीं होता कि हमारा पार्टनर कल को किसी और के साथ घर बसा लेगा, या फिर वो उनके साथ घर बसाने के लिए कभी जिद भी नहीं करती। उनका पार्टनर भी एकदम फ्री माइंड रहता है और उनको पता होता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं, और वो ना ही नीडी होती है और ना ही डिमांडिंग होती है। अच्छा एक बात बताओ दामिनी, क्या आप लोगों के बीच कभी कोई झगड़ा होता है? मतलब फोन पर बात ना करना, फोन पिक नहीं करना, या मिलने बुलाने पर मिलने ना जाना, कुछ भी? जी वो तो होता ही रहता है, जब तक झगड़ा ना हो तब तक खाना ही डाइजेस्ट नहीं होता। यही तो प्रॉब्लम है, पता है आपको? ओल्ड एज वुमन कभी भी अपने पार्टनर के साथ माइंड गेम नहीं खेलती है। मतलब कि जैसे फोन का आंसर ना करना, या फिर रेस्टोरेंट, होटल या बार में अपने पार्टनर के फर्स्ट मूव का इंतजार करना। वो लोग तो अपने रिलेशनशिप को लेकर एकदम क्लियर रहती है, और वो कभी भी अपने पार्टनर को ये भी महसूस नहीं होने देती कि अगर वो चला जाएगा तो उनको बहुत दुख होगा। मगर डॉक्टर, वो क्या करती है क्या नहीं करती है, इससे मेरा प्रॉब्लम कैसे शॉर्ट आउट होगा? आप अभी तक नहीं समझी दामिनी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो जो बड़ी उम्र की औरतें हैं, आप उनकी तरह बिहेव करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए कि क्या होता है। ओके डॉक्टर, अब समझी। अब यही रूल मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगी। बिल्कुल, और खुशहाल भी रहोगी और आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छे से गुजरेगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।